शिवराज पासवान हत्या केस में, जहां एक तरफ आज उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ पुलिस एक्शन में नजर आ रही थी। कटिहार पुलिस के द्वारा आज जो अपराधी फरार चल रहे थे उनकी कुर्की जब्ती को लेकर नोटिस जारी किया गया। जैसे ही ये नोटिस जारी किया गया और जैसे ही खबर न्यूज पे छपी, अपराधियों में खलबली मच गई। इसी क्रम में कटिहार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हम बता दें कि फरार चल रहे अपराधियों में सन्नी श्रीवास्तव, उनके पिता प्रशांत श्रीवास्तव उर्फ टुनटुन बाबू ने आज पूर्णिया के आईजी के दफ्तर में जाकर के अपने आप को सरेंडर किया। और आईजी के दफ्तर में सन्नी श्रीवास्तव के पिता प्रशांत श्रीवास्तव ने आईजी साहब से कहा कि मुझे इस हत्याकांड में फंसाया गया है, क्योंकि मैं 2002 से 2007 तक कटिहार का कमिश्नर रह चुका हूँ। उसके बाद तब से कटिहार में हरिजन कोटा आ गया है और तब से अभी तक हरिजन कोटा ही चल रहा है। इधर फरार चल रहे अपराधियों में अभी भी अंकित चौहान और एक अन्य की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इनकी गिरफ्तारी के लिए कटिहार की पुलिस जोरों शोरों से छापेमारी कर रही है। इधर गिरफ्तारी के बाद पूर्णिया के आईजी ने दोनों आरोपियों से फरार चल रहे आरोपियों के बारे में पूछताछ की। दूसरी तरफ आज कटिहार के मेयर शिवराज पासवान की श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें कि कटिहार के सभी बड़े दिग्गज और कई मंत्री आए हुए थे। श्रद्धांजलि में आए कई मंत्रियों ने यह कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करके इंसाफ किया जाएगा। फरार चल रहे अपराधियों की भी जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इधर कटिहार के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने कहा है कि जो भी अपराधी बचे हुए उनकी जल्दी ही गिरफ्तारी होगी और मामले का उद्भेदन बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। हम लोग पर आरोप लगा कि 2002 से 2007 तक हम कमिश्नर थे। अच्छा, पहले हरिजन कोटा हो गया, उसके बाद अब सम्मान कोटा है। इसी कारण हम लोग को सारे परिवार को फंसाया जा रहा है, बस यही कारण फंसाया जा रहा है। हाँ, इस बार सम्मान हो गया, इसीलिए फंसाया जा रहा है सारे परिवार को। तो मुख्य आरोपी आप लोग को बनाया जा रहा है? मुख्य आरोपी में हम लोग तो नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है श्रीकांत श्रीवास्तव। आज कहाँ आए? आज कहाँ आए? पूर्णिया आए हैं। मतलब किनके पास आए हैं? आए डीआईजी साहब पर सरेंडर करने। सरेंडर करने आईजी से? आईजी साहब पर सरेंडर करने।